आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कम समय में मटरी बनाने का सबसे आसान तरीका। ऐसा तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटरी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, अजवाइन, 2 छोटे चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें हम तेल डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। आटे के रेसे रेसे में तेल चला जाए, जिससे हमारी मटरी बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो इसका हम लड्डू बना के देखेंगे। देखिए हमारा लड्डू बन रहा है, मतलब हमारा मेवन परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। पाँच मिनट तक आटे को और गूंथ लेंगे। हमने 5 मिनट तक आटे को गूंथ लिया, हम गीले कपड़े से ढक देंगे। दस मिनट हो गए हैं, आटा अपना चेक कर लेते हैं। आटे में से हम 1 लोई तोड़ेंगे, बाकी बचे आटे को हम ढक देंगे। अब हम 4 बराबर हिस्से में कट करेंगे। पेड़ा बना लेंगे, 1 लोई लेंगे, उसके ऊपर तेल लगाएंगे, रोटी के बराबर हम बेल लेंगे। और ये देखिए हमने रोटी बना लिया है, इसको हम प्लेट में रख देंगे। इसी प्रकार से हम सभी रोटी को बना लेंगे। एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर तेल लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी हम तेल लगाएंगे, फिर हम तीसरी रोटी रखेंगे, इसके ऊपर भी हम तेल लगाएंगे, चौथी रोटी रखेंगे। अब हम रोटी को बेल लेंगे, थोड़ा पतला कर लेंगे। चाकू से हम कट करेंगे, पहले हम बीच से कट करेंगे, फिर इधर से भी बीच से कट करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा पकड़कर हम फोल्ड करते जाएंगे। नीचे हम पानी लगा देंगे, जब हम फ्राई करेंगे तो तेल में खुलेगी नहीं, पानी लगा दें। ऊपर वाला हिस्सा पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, नीचे हम पानी लगा देंगे। इसी प्रकार से सभी मटरी को हम बना लेंगे। हमने मटरी बना लिया है, अब हम उसको हल्के हाथ से रोल करेंगे। इसी प्रकार से सभी मटरी को हम रोल कर लेंगे, तेल में खुलेंगे नहीं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, तेल को हम गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम दूसरी मटरी बना लेंगे। आटे में से छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे, पेड़ा बनाएंगे, पूरी के बराबर बेल लेंगे, फोल्ड करेंगे, इस साइड से फोल्ड कर देंगे, बेल लेंगे। मटरी पे हम डिजाइन बना देंगे। ऐसा करने से मटरी हमारे तेल में फूलेंगी नहीं। तेल हमारा गरम हो गया है, मटरी डाल देंगे। मटरी को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साइड से सिक गई, इसको हम पलट देंगे। मटरी हमारी फ्राई हो गई है, इसके ऊपर अच्छा कलर भी आ गया है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तेल में हम दूसरी मटरी भी डाल देंगे, लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे।
मटरी हमारी एक साइड से फ्राई हो गई है, हम उलट पलट कर देंगे। मटरी हमारी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छा कलर भी आ गया है, इसको हम निकाल लेंगे। आटे की लोई लेंगे, कैंची से कट करेंगे, छोटे छोटे पीस में हम कट करेंगे कैंची से। या फिर आप आटे की लोई लें और कैंची से कट कर दें गरम तेल में ही, लेकिन ध्यान से कि तेल का छींटा आपके हाथों पे ना आए, तो धीरे धीरे आप डालें, या फिर आप प्लेट में कट कर लें फिर कढ़ाई में डालें। लो फ्लेम पे मटरी को फ्राई कर लेंगे। मटरी हमारी एक साइड से फ्राई हो गई है, इसको उलट पलट पलट कर देंगे। मटरी हमारी फ्राई हो गई है, इस पर अच्छा कलर भी आ गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कम समय में तीन तरह की मटरी तैयार है, आप इसको चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में या फिर आप सफ़र में जा रहे हैं तो इसको ले सकते हैं। ये 1 से 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होती है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।